दुनिया ने हमें राह का पत्थर बना के रख दिया। मैं वो मोम था जो सर्द मौसम में पिघल जाता था, इस जमाली ने पत्थर का सीना चीर के खंजर बना के रख दिया। आदरणीय भागे भैया जी ध्यान दें, बहुत पुरानी फिल्म का गीत है, क्योंकि कीर्तनकार अभी इतने काबिल नहीं हुए जो कि स्वयं की धुन बना के गा सके। फिल्मी जीत वजह क्या और कीर्तनकारों ने लिख डाला क्या, अब चला है भोलेनाथ का अभिषेक। तो देखिए भोलेनाथ इस दिन के विषय में सभी लोग जानते हैं, अभिषेक का लोग बखान करते हैं, लेकिन हम उन कथाओं की ओर आपको ले चल रहे हैं जो शायद कि कुछ लोगों से वंचित नहीं जाते हैं। प्रयास कर रहा हूं, प्रथम भी दे रहा हूं, सुनेगा। फिल्मी गीत बजा, फिल्म बनाने गया कि सब में किसी से प्यार करूंगी, धन्यवाद है, कहना है अब मैं किसी से प्यार करूंगी, अब शोला श्रृंगार करूं, जो है शिवरात्रि का पर्व है, माता
महामारी का भोलेनाथ का सरकार चल रहा है, अभिषेक चल रहा है। अब भोलेनाथ की कुछ विशेष कथाएं हैं, उन कथाओं का सुनाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को, सुनेगा। एक बार भोलेनाथ की पत्नी और ये गुना फिर वही नाम राम कुमार विश्वकर्मा हर निवासी आपकी ओर से 11 पत्र बताए हैं, कहीं ना है, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी को। एक बार माता महामाई ने काली का रूप बनाया, भोलेनाथ की पुत्री भवानी ने काली का रूप बनाया और राक्षसों का काटना शुरू कर दिया। अब इतना क्रोध में आ गए भैया कि जो है देवताओं की ओर खड़क लेके दौड़ी, तो जो दैत्य बचे थे वो भी भाग पड़े, देवता भी भाग पड़े। भागे चले जा रहे थे रास्ते में, उधर से कुछ राक्षस चले आ रहे थे, बोले भैया कहाँ भागे जा रहे हो? अरे बोले भोलेनाथ की पत्नी भवानी ने काली का रूप बनाया और राक्षसों का काटना शुरू कर दिया। तो बोले तुमने भोलेनाथ से नहीं कहा? अरे बोले कहा? बोले सुनिए हुआ क्या, सर्वा असुर को काट रही है, असुर को काट रही है। और इतना ही नहीं बोले, बोले जो असुरों का लहू गिर रहा है उसका भी पान कर रही है महाकाली। और ये फिर वही नाम कुशवाहा डेकोरेशन बोले आपकी ओर से है भैया, एक कॉपी ले लीजिए, लिख लीजिए बातें बोल दूंगा। असुर को काट रही है, लहू भी उनका चाट रही है, सर्वा असुर को काट रही है, लहू भी उनका चाट रही है। अच्छा तो बोले शंकर भगवान से नहीं कहा? अरे बोले कहा? वो भी आए महाकाली के कदमों में लेट गए शंकर भगवान। अब बताओ किससे कहे? शंकर भगवान आए और उनके चरणों में लेट गए, तो लाइन लिखनी पड़ी। घर वाला ही स्वयं डरे, घर वाली कैसी हो, बैल वाला ऐसा। बोले कैसा? बोले कदमों में लेते हैं, कदमों में लेते हैं। बैल वाला ऐसा तो शेरा वाली कैसी हो, बोले है बला या कला। ये साउंड सिस्टम बन रही है, ट्रेबल डाल के बनी पड़े। है बला या है कला बता, कुछ भी है नहीं चला। घर वाले पे चरण धरे, आदरणीय भोले भाई, भोले भैया, अरे सोनी जी कहां ध्यान है? भोले भाई ध्यान नहीं दे रहे हो, सुनिएगा। घर वाले पे चरण धरे, घर वाली कैसी होगी। शंकर भगवान के ऊपर चरण रख दिया महाकाली ने, तो लिखा घर वाले पे चरण धरे, घर वाली कैसी होगी। जब महाकाल है ऐसे, बोले कैसे? कैसे महाकाल कैसे है? बोले कदमों में लेते हैं, कदमों में लेते हैं। घर वाले
ऐसे तो महाकाली जैसी जीतु सोनी जो कि नगरपुरे में निवास कर रहे हैं, खरुसा के निवासी हैं आप, निराला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है भाई जीतु सोनी जी को। कहना है दूसरी कथा को सुनिए, एक बार माता भवानी को बहुत जोरों से भूख लगी, भोलेनाथ की पत्नी भवानी को भूख लगी तो भोलेनाथ से कहा स्वामी मुझे बहुत जोरों से भूख सता रही है। तो शंकर भगवान बोले जाके देख लो कुछ खाने को मिल जाए तो अपनी भूख मिटा लो। बोले स्वामी बहुत देर से देख रही हूँ कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा है, पूरा किचन खाली है जी। तो शंकर भगवान ने हंसी में कह दिया, मजाक में कह दिया तो हमको खा लियो। माता भवानी इतनी भूखी थी कि भोलेनाथ को खा गई। और भोलेनाथ ने सोचा सृष्टि का होगा क्या हमारे बगैर, तो माता भवानी के पेट की भूख मिटा के भोलेनाथ धुआं बन के बाहर निकल के आ गए। उस जगह माता का नाम पड़ गया धूमावती, प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर दतिया आज भी है। जब माता भवानी को इतनी जोर से भूख लगी तो हुआ क्या, किशों के शिवा कुछ नजर न आए। देवी को जब भूख सताए शोके शिवा कुछ नजर न आए। जब भोलेनाथ को खा गई तो लाइन लिखी गई, क्या लिखी गई, घर वाले से पेट भरे, घर वाले से पेट भरे, घर वाली कैसी हो। क्या यूं कहे, अपने पति से पेट भरे, घर वाली कैसी हो। एक विशेष बात, विशेष जिसका भोजन शिव जी भोलेनाथ को खा गई, जिसका भोजन शिव जी तो खाने वाली कैसी हो। तो महाकाल है ऐसे तो महाकाली है। मगर को कहते हैं, और स्वयं ही बन गए छोटा सा बालक। भोलेनाथ लीला दिखा रहे हैं, अब माता भवानी ध्यान में बैठी थी, अब भोले ही बालक बने हैं और भोले ही मगर बने हैं। और जिस समय मगर ने बालक को अपने मुख में फंसाया, बालक को खाने का प्रयास किया तो बालक चिल्लाने लगा, जोर जोर से रोने लगा, रोधन करने लगा। तो माता भवानी नींद से ध्यान से जागी, ध्यान में बैठी हुई थी माता भवानी, ध्यान से जागी तो देखा अरे मगर एक बालक को खाए जा रहा है। तो माता भवानी दौड़ी और उस बालक को बचा लिया। अब बालक तो बच गया लेकिन बालक का रोना बंद नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि बालक बने थे भोलेनाथ। अब माता भवानी प्रयास कर रही है क्या किया जाए, बालक का रोना कैसे बंद हो। सुनिएगा हुआ क्या, क्या बात है सौरभ भैया, क्या
ग्राहक मुख्य से शिशु को बचाया माता ने उसको को जब बालक ने रोना बंद नहीं किया तो माता ने सोचा शायद बालक भूखा है, तो माता ने वही स्तन पान कराया, बालक को दूध पिलाया। जब दूध पिलाया तो लिखना पड़ा घर वाला स्तन पान करे घर वाली कैसी होगी। बाकी भैया ध्यान दीजिएगा, घर वाला इस तरह पान करे घर वाली कैसी हो। पीने वाले शिव जी देवाधिदेव महादेव, पीने वाले शिव जी पिलाने वाली अंशुराज डीजे लोहागढ़ लोहारी बहुत धन्यवाद है आपकी ओर से। ये इक्यावन बता बताए हैं निराला की ओर से कोटि कोटि साधुवाद है, धन्यवाद है। माता रानी तुम्हारी इस डीजे साउंड सिस्टम में दिनदोनी रात चौकड़ी रखी रहे ऐसी कामना करता हूँ। लोहागढ़ में शायद कि हमारे 8-10 बार कार्यक्रम हो चुके हैं। और ये पुनः 21 पत्र बताए बड़े भैया कुशवाहा डेकोरेशन पूरी आपकी ओर से 21 पत्र बताए हैं मेरा अल्लाह की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। घर वाला इस तरह पान करे घर वाली कैसी माता भवानी बोली स्वामी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो भोलेनाथ कहने लगे भगवान राम का जन्म हो गया है जी, हमें 11वें रुद्र अवतार के रूप में जाना है। तो बोले स्वामी हम कहाँ रहेंगे? भोलेनाथ बोले नारियों का वहाँ जाना मना है क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी बन के जा रहे हैं जी। तो माता भवानी निवेदन कर लेंगे स्वामी कुछ भी करिए हमको साथ में ले लीजिएगा। तो माता भवानी बन गई पूंछ, हनुमान जी सरकार बन गए भोलेनाथ। जब अगर माता भवानी पूंछ बन के ना जाती तो लंका जलती कैसे? सुनेगा अंतिम थोड़ी कैसे कपी की पूंछ पर, पूंछ बनी है माता भवानी। कपी की पूंछ पर क्या है शंका, कपी की पूंछ पर क्या है शंका।
की ही डाली है, उसी पूछ के द्वारा लंका जलाई गई। तो लिखा कि भूखे ही डाली है वो सोने की पूछ पर क्या है शंका, झुकी गाली है सोने की लंका। और सोने की लंका जब हनुमान जी सरकार जला रहे हैं तो पूछ जल रही है। पूछ कौन है? माता भवानी। पूछ बनी है माता भवानी। तो लिखा क्या अपने पति के तन में चले, पति के तन में समायत है भवानी, पूछ बनी है और जल रही है। तो लिखा घर वाले के तन में जरे, घर वाली कैसी हो, घर वाले के तन में जरे, घर वाली कैसी हो, आगे वाला ऐसा ऐसा अम्मा बता, आने वाला ऐसा हनुमान जी सरकार, आने वाला ऐसा तो पीछे वाली कैसी, चक्र मुझे दिया गया था जी। अभी प्रथम चक्र है, अभी तो लड़ाई है। आइएगा सुनते हैं बोले भैया वाके बलराम एंड पार्टी पूरी आपकी ओर से कार्यक्रम सुना जाएगा। आइए भैया चले आओ चले आओ चले आओ गाने के लिए चले आओ। ऐसे बुलवा दो। अरे भाई साहब एक मुक्ता बिहार आ गया। कौन था? कहना है क्या बाजार में जिसने जाके शराफत खरीद ली। क्या बात है गुरु? बाजार में जिसने जाके शराफत खरीद ली, बाजार में जिसने जाके शराफत खरीद ली, बैठे बिठाए उसने समझो सर आफत खरीद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? यही तो बात है इसके टुकड़े। बाजार में जिसने जाके शराफत खरीद ली, बैठे बिठाए उसने समझो शराफत खरीद ली, क्योंकि बाजार में हर जहां का सौदा बिक रहा, बदले में मोहब्बत के तूने नफरत खरीद ली। सौदा ही बिकाऊ तो ग्राहक भी कम नहीं, सौदा ही बिकाऊ तो ग्राहक भी कम नहीं, अपमान तो किसी ने इज्जत खरीद ली, लेकिन उससे बुरा जहान में कोई भी नहीं जिसने ईमान बेच के ये दौलत खरीदी। क्या बात है गुरु? गीत पढ़ा गया क्या? कब मैं किसी से प्यार करूंगी, ये बात
ऐसा होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। आए हमारा क्या तुझे है पता, ईद बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुख्य बात देखें आप, बिल्कुल घर वाले पर चरण धरे तो घरवाली कैसी होगी। ठीक है, घर वाले पर चरण धरे तो वो घरवाली कैसी होगी, पर दूसरी लाइन आपकी आई कि जब घरवाला ऐसा है तो घरवाली कैसी होगी। ये बात, चरण धरे वो घरवाली कैसी होगी, ये लाइन तो ठीक है, लेकिन दूसरी लाइन समझ में आएगी, घरवाला जब ऐसा है, यदि घरवाला चरण धर रहा है तो घरवाला अगर चरण धरवाए, अपने ऊपर चरण धरवा रहा है, ठीक अच्छी बात है, लेकिन घरवाला अगर चरण धरे किसी के ऊपर तो आपकी बात लाइन सार्थक हो जाती कि घरवाला ऐसा है तो घरवाली कैसी होगी। लेकिन इधर तो घरवाले के ऊपर चरण रखा जा रहा है, घरवाला किसी को ऊपर चरण नहीं रख रहा है, आपने लगा दिया कि घरवाला ऐसा है, तो आई तो समझ में नहीं आ रहा घरवाला ऐसा है। वाह वाह जलाला जी, जिसने भी गीत लिखा है अधी कर दी भाई। दूसरी लाइन आपने पढ़ी, जिसका भोजन शिवजी हो तो खाने वाली कैसी होगी, फिर लाइन आपने लगा दिया कि घरवाला ऐसा हो तो घरवाली कैसी होगी। ठीक है, घरवाली अपने पति को खा रही है, लेकिन पति किसी को अगर खाते हुए आप दिखाएं तो आपकी बात लाइन सार्थक हो जाती है कि घरवाला ऐसा है तो घरवाली भी ऐसी। घरवाला तो किसी को खा नहीं रहा, घरवाली घरवाले को खा रही है, अब घरवाला घरवाली को खा जाए तो बात आपकी अच्छी हो जाती कि घरवाला ऐसा है तो घरवाली भी ऐसी। लेकिन छोड़ देते हैं, पता नहीं कहां से मसाला निकल आया। ये देखिए 10 रुपए का पुरस्कार हमारे कुशवाहा जी डेकोरेशन वाले प्रदान करें, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये देखिए 51 रुपए हमारे भैया श्री सुधीर कुमार द्विवेदी जी मुसमरिया वाले प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बस यही जवाबी है, एक एक लाइन को बारीक से बिल्कुल उधेरा जाए, बाल की खाल निकाली जाए, वही जवाबी है। देखिए जालौन जिले की कलम को देखिए आप, जवाब आपका अगर हो जाए तो हम आप लोगों से बस तालियों का पुरस्कार चाहेंगे, वो पुरस्कार नोटों वाले मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन तालियों वाला पुरस्कार आपकी बात है। सुरवा असुर को काट रही है, लहू सभी का चाट रही है, तो सुनिएगा माँ कैसी है। सुरवा असुर को कुमार पे जाए तो उसको डांटती है माँ। ये बात पहली लाइन सुनेगा, दूसरी लाइन सुनेगा, सुनिए। सुरवा असुर को डांट रही है, पर ममता दोनों में
चाहिए क्योंकि वो माँ है। ममता भी देती है तो फटकार भी देती है, डांट भी देती है, वो माँ है, सब असर सभी की माँ है। लेकिन आपकी जो लाइन आई घरवाले पर चरण धरे तो घरवाली कैसी होगी, घरवाले का पूजन करे तो वो घरवाली कैसी होगी, पैदा ही किस देश है। दक्षिणा मांग लो, माँ ने कहा कि मांग लो आपको जो कुछ मांगना हो। सप्तऋषियों ने कहा मुझे आपका पति चाहिए, उन्होंने दे दिया, भगवान शंकर का दान कर दिया। तो एक बात अलग है कि फिर वो रोने लगी, तो सप्तऋषियों ने कहा कि मैं तुम्हारे पति को लौटा दूंगा, लेकिन आप इनके बराबर कोई तोल दे। तो माँ ने एक गाय दान कर दी और अपने पति को पा लिया। और उसी प्रकार जब पहली लाइन मेरी आ गई तो सुनिएगा, एक बार भगवान शंकर ने भी गौरा का दान कर दिया। ये बात तो घर वाले को दान दिया, वो घर वाली कैसी हो। जब भगवान शंकर ने गौरा का दान कर दिया, गौरा ने भगवान शंकर का दान कर दिया, तो मेरी लाइन ये सार्थक होती है कि क्या बात, घर वाला जब ऐसा है तो घर वाली भी ऐसी। जब घर वाला ऐसा है तो घर वाली भी ऐसी। घर वाला जब ऐसा है तो घर वाली भी ऐसी। ये उमा पर शिव की प्रियतमा, सबकी माँ ये उमा पर शिव की प्रियतमा। आपकी बात आई है कि घर वाले का भोजन करे तो घरवाली कैसी। अब मैं वो लाइन ले रहा हूँ कि अपना ही जो लहू पिए, अपना ही जो लहू पिए वो प्रियवाली कैसी हो। जाने लगी और एक धारा स्वयं पान करने लगी, एक धारा स्वयं पान करने लगी, यानी कि लहू पी भी रही है और पिला भी रही है। अपना ही जो लहू पिए वो किराली कैसी हो। अरे मुंडमाल जब ऐसे है मुंडमाली ऐसी, सुर बदलना है थोड़ा। क्या बात है, क्या बदलना है, प्रयास करा। बाबुल के घर जी न लागे न लागे, उड़ उड़ के मेरा जिया भागे। बाबुल के घर पुरस्कार आए हैं। 10 रुपए हमारे श्री सुखनंदन झा जो कि शांति नगर ओरई के हैं, और 51 रुपए हमारे भैया नगेंद्र सोनी टोड़ी फतेहपुर वाले हैं, 21 रुपए हमारे प्रदीप श्रीवास्तव और डीके जैन मंदिर, और 11 रुपए हमारे राम कुमार विश्वकर्मा हलवाई खर्रा वाले, बहुत अच्छी बात है हमारे विश्वकर्मा जी पधारे हुए हैं, और 111 रुपए हमारे मनोज सोनी खरूसा वाले दद्दू के लला।
एक मनोज सोनी सोमई वाले भी है, दोनों ने पूरा पता लिख दिया, बोले कद्दू के लला दे रहे हैं। हमारे भैया श्री शिवदास कारीगर जी 11 रुपए प्रति तरह है, तो देखिए 111 रुपए हमारे मनोज सोनी खरूसा वाले जो कि दद्दू के लला है प्रदान कर रहे हैं, और 21 रुपए हमारे पप्पू सोनी कुइया वाले, और 21 रुपए हमारे अनिल महाराज प्रदान कर रहे हैं। सभी लोगों से आशीर्वाद की कामना चाहेंगे, और हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया है, आप लोगों ने हम लोगों का हौसला बढ़ाया, कलाकारों बड़े बड़े आभारी हैं हम आपके, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए दूसरी बात सुनिएगा। पति पत्नी की बात मिलेगी जब आपने कह दिया घर वाला ऐसा है तो घरवाली कैसे, तो सुनेगा पुत्री पन खेल खेलाए, खेल खेलाए पुत्री पन खेल खेलाए, ये माँ पुत्री बन जाती है कभी अपने पति की, यानी कौश की रूप में आ गई, कौश की रूप में आ गई तो ये पुत्री बन गई, खेल खिला रही है आंगन में। कभी होता क्या है, कभी शिवा शिव को खिलाए, भगवान शंकर की शादी की बात है, आज शिवरात्रि है, शादी के दिन एक अचंभा हुआ, पार्वती जी बैठी थी और भगवान शंकर एक शिशु का रूप बना के पहुंच कर उनकी गोदी में खेलने लगी, यानी कभी गोदी में पति को खिला लिया, कभी पति की गोदी में खेल, ये है ये बात है कि घर वाला ऐसा हो गया तो घरवाली भी। बहुत सुंदर जवाब, क्या बात है भाई साहब, लिखना पड़ा आदेश करे और कहा न माने, आदेश करे और कहा न माने, वो काली कैसी हो, जंगलों से पकड़ के लाए इसका। एक चित्र और दे दिया, एक चित्र और दे दिया आपने, क्या चित्र दे दिया कि एक इकराह है और एक बालक, इकराह बालक को खाना चाहता है तो माँ ने बालक को उठा दिया और जैसे ही अपने स्तन से लगाया तो बालक दूध पीने लगा, लेकिन वो थे भगवान शंकर, भगवान शंकर ही इकराह थे, भगवान शंकर ही शिशु थे, भगवान शंकर ही तालाब थे। ये चित्रण आपने दिया कि भगवान शंकर ने माँ का दूध पिया, आपने लाइन लगा दी कि घरवाला स्तन पान करे तो वो घरवाली कैसी होगी, घरवाला स्तन पान कर रहा है लेकिन घरवाली स्तन पान कर नहीं रही। लेकिन आइए प्रसंग देखें, आप दूसरा प्रसंग देखें, जब महामारी ने काली का रूप बनाया और माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ, सुरों को असुरों को दोनों को वो काटने लगी, अब सोचा विनाश हो जाएगा तो भगवान शंकर ने क्या किया, एक शिशु रूप बना के रस्ते में लेट गए, शिशु रूप बना के रस्ते में लेट गए, तो माँ काली रूप में चली आ रही है, तो माँ ने क्या किया, क्या शिव रूपी शिशु को गाने के अंत में दिए दिया करें, बिल्कुल तो गाने का आनंद अलग है, ये बात लेकिन सुनिएगा, सुनिए शिव रूपी शिशु को हृदय लगाया, शिव रूपी शिशु को हृदय लगाया और इस तन से जब
ये क्या पिलाया भगवान शंकर को अपने पति को। इस तन से जब क्रोध पिला माने अपने स्तन से अपना पूरा क्रोध पिला दिया। भगवान शंकर स्तन के माध्यम से माँ का सारा क्रोध पी गए, नहीं तो ये सारी सृष्टि नाश हो जाए। सुंदर क्या बात है, क्या बात है, यही तो बात है। शिव रूपी शिशु को हृदय लगाया, स्तन से सब क्रोध पिलाया, बाके क्रोध पिलाए पिए खुद, बाके क्रोध पिलाए पिए खुद, वो मतवाली कैसी हो। घर वाला जब ऐसा है तो घर वाली ऐसी, जवाब भारी हो गया भाई साहब। गजब, ये 51 रुपए हमारे अंशल सिंह यादव नया पटेल नगर और 10 रुपए हमारे सर्वेश पाल चुरखी वाले, 51 रुपए हमारे गोलू सोनी राघव सोनी, ये 51 51 दे रहे हैं कि 51 दे रहे हैं, 51 रुपए दे रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है बच्चे, 51 रुपए गोलू सोनी और राघव सोनी भी दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 101 रुपए सोनू सोनी गोलू सोनी पिंडारी कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद है। कुशवाहा लाइट हाउस की तरफ से ये 101 रुपए प्रदत्त हुए, बहुत बहुत धन्यवाद है, उनको प्रणाम है।